तो आ गया है फिर से आप लोग के लिए पोस्टर ट्रैकर का अपडेट। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से अपडेट करनी है और इसमें क्या अपडेट आई है। तो नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। जैसे कि आज पोस्टर ट्रैकर में कुछ अपडेट आई है, इसमें खास जानकारी आई है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या अपडेट आई है और अच्छे से आप लोग को दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके कि किस प्रकार से आप लोग अपडेट आसानी से करेंगे और ये इसमें क्या क्या जानकारी है ये सब के बारे में भी आप लोग को बताएंगे करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर देख रहे होंगे, तो ये इसका अपडेट एक और आ गई है और इसमें क्या खास जानकारी है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि अगर आप लोग प्ले स्टोर में अगर जाके इस तरह से अगर आप लोग सर्च करते होंगे, यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है। करने के बाद यहाँ पे लिखना है पोषण ट्रैकर, ठीक। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे पोषण ट्रैकर आप लोग को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का पोषण ट्रैकर आ गया है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग यहां से भी अपडेट करेंगे, या अगर आप लोग जैसे कि आप लोग इस तरह से आपका मोबाइल है उसके बाद आप लोग ऐसे इस तरह से आप लोग पोषण ट्रैकर खोलते होंगे, जैसे कि यहां पे आप लोग को देखने को मिल रहा है जो आपके मोबाइल में यहां पे पोषण ट्रैकर है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह से आप लोग का अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है। तो ये आप लोग को आसान होगा, जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो इस तरह से अगर आप लोग के पास अगर मांग रहा होगा अपडेट करने का ऑप्शन, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपडेट करने का है दिया हुआ, तो इस तरह से आप लोग अपडेट पर मार लेंगे। तो चलिए हम इस पर हम लोग अपडेट मार लेते हैं। तो अपडेट मारेंगे जैसे ही, तो ये इस तरह से आप लोग को क्या होगा कि थोड़ा समय लेगा और यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे ये अपडेट इस तरह से आप लोग को होने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी अपडेट करेंगे, या आप लोग प्ले स्टोर से पोषण ट्रैकर सर्च करके आप लोग अपडेट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे कि ये 13 MB का कुछ अपडेट आई है और इसमें क्या अपडेट आई है इसमें खास जानकारी आप लोग के लिए हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन से आप लोग को मिलेगी। आप वीडियो को देखते रहिए कि किस प्रकार से इसमें क्या खास जानकारी आई है और क्या क्या जानकारी आप लोग को हमारे तरफ से मिलती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से क्या जानकारी आई है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐप जो अपडेट आई है ये 13 MB का आई है और ये 13 MB होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट के कारण थोड़ा सा स्लो है। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मेरा अपडेट अभी तक 4 MB, मतलब लगभग यहाँ पे 3 MB 3.5 MB तक हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे करना होगा अपडेट 12 MB का। और इसमें अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप लोग पोषण ट्रैकर से कोई भी जानकारी अगर आप लोग हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पे अगर सर्च करते हैं तो आप लोग को मिलते रहेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर अपडेट जब जब आती है आप लोग को हमेशा वीडियो आसानी से मिलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी हमने यहाँ पे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, इसमें ये अपडेट हो रहा है, फिर भी आप लोग को थोड़ा कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप लोग मैग्नेट प्रोफाइल करना चाहेंगे कोई भी लाभार्थी, जैसे गर्भवती महिला को हम लोग लैक्टेटिंग मदर या मतलब धात्री महिला में अगर ट्रांसफर करना चाहेंगे, वो सब के बारे में भी आप लोग को आसानी से वीडियो बताई गई है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस पोषण ट्रैकर में क्या क्या अपडेट आ गई है नए से, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे कि मेरा 7 MB का अभी तक डाउनलोड हो गया है और अभी भी टाइम है होने में। और इसको देखने के लिए आप लोग देखते रहिए हमारे वीडियो को ध्यान से कि किस प्रकार से क्या जानकारी आ रही है और भी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी हमारे चैनल से। तो यहाँ पे मेरा नेट स्लो होने के कारण मेरा जो अपडेट है ये थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, और आप देखते रहिए कि किस प्रकार से ये अपडेट होगी। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग वीडियो पॉज करते हैं या आप लोग काटते हैं तो कुछ परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर अपडेट हो रही है और क्या क्या हम लोग जानकारी इसमें हम देने वाले हैं। तो इस तरह से मेरा अपडेट हो रही है और भी जानकारी इसमें हम लोग दिया गया है, जैसे कि आप लोग डिलीट करना या और भी जानकारी, जैसे कि कोई लाभार्थी का मृत्यु होगा ये सब के बारे में भी आप लोग को वीडियो बनाई गई है, या लाभार्थी को डिलीट करना या रिमूव करना या
और भी जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि लाभार्थी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया होगा, वो सब के बारे में भी जानकारी आप लोग को देखने को मिला होगा हमारे चैनल के माध्यम से, या सैम मैम या नॉर्मल अति कुपोषित कुपोषित ये सब के बारे में, ओबीज मोटापन, इस तरह से आप लोग को जो भी जानकारी मिलना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग को मिलते रहेगी। तो इस तरह से आप लोग को देखेंगे कि जैसे ही मेरा ये ऐप अपडेट हुआ और इस प्रकार से मेरा खुल के आ गई जो पोषण ट्रैकर है, ये इस तरह से आप लोग को खुल के आ गई है। और आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि मोबाइल नंबर दर्ज करनी है और यहाँ पे एम पिन दर्ज करनी है। अगर आप लोग इंग्लिश में चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ से आप लोग इंग्लिश में आगे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी लैंग्वेज आप लोग चाहते हैं यहाँ से वो लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया और इस तरह से आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को दर्ज करनी है, उसके बाद एम पिन दर्ज करनी है। तो चलिए हम इसको दर्ज कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पोषण ट्रैकर अपडेट किया और अपडेट करने के बाद आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पोषण ट्रैकर यहाँ पे इस तरह से कुछ फाइल खुल के आ गई है, जो पोषण ट्रैकर आ गई है। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि विजिटिंग जो यहाँ पे होम में है, जो यहाँ पे आप लोग को बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे होम विजिटिंग यहाँ पे आप लोग को मॉड्यूल दिया गया है। तो आप लोग को इसमें कुछ खास जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ गई है। तो इस तरह से आप लोग देखते थे कि यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि ऊपर में गर्भवती महिला, उसके बाद आप लोग को लैक्टेटिंग मदर, उसके बाद आप लोग को 0 माह से 6 माह के बच्चे, इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा था। और इसमें आप लोग को क्या आ गई है कि कुछ फाइल बन के आ गई है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे आप लोग को ये आ गया है, नंबर 2 में आप लोग को ये आ गया है। तो इस तरह से आप लोग होम विजिटिंग करेंगे, मतलब घर जा के आप लोग विजिटिंग करेंगे, इसमें आप लोग को डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना होगा कि जैसे कि आप लोग को फर्स्ट नंबर में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेनिफिशरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी फाइल हमने यहाँ पे काम किया है तो इस तरह से मेरा फाइल खुल के आएगी। और यहाँ पे आप लोग को इस तरह से फाइल खुल के आएगी जो यहाँ पे बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन आप लोग ने किया होगा, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आप लोग को जो भी लाभार्थी का आपने रजिस्ट्रेशन किया, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, यहाँ पे चाइल्ड जो है 0 माह से 6 माह, या यहाँ पे 6 मंथ से 3 ईयर चाइल्ड, यहाँ पे जो भी आप लोग को यहाँ पे होगा सो आप लोग को यहाँ पे डेली ट्रैकिंग इसी में। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आप लोग को डायरेक्ट जैसे पोषण ट्रैकर खोलते थे तो और इस तरह से आ जाता था, लेकिन आप लोग को क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग जैसे ही खोले हैं तो खोलने के बाद आप लोग को फर्स्ट नंबर में बेनिफिशियरी लिख गया आ रहा है। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को बेनिफिशियरी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से करेंगे, या होम विजिटिंग यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा है कि होम विजिटिंग शेड्यूल, तो इस तरह से आप लोग को जो यहाँ पे जो होम से विजिटिंग करेंगे, मतलब घर घर जाके अनुसूची बनाएंगे, तो इसमें आप लोग डालेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन, तो प्रेग्नेंट वुमेन में आप लोग को शेड्यूल बनाएंगे, जैसे कि आप लोग अनुसूची बनाएंगे जो भी, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखने को मिल रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर या चाइल्ड जो 0 माह से 6 माह हो, या 6 मंथ से 3 ईयर हो, या 3 ईयर से 6 ईयर हो, तो इस तरह से जो भी हो इसमें आप लोग को क्या करना है कि जब विजिटिंग करेंगे होम विजिटिंग, जैसे आप लोग घर जाके उनके घर जाके विजिटिंग करेंगे, यानी शेड्यूल आप लोग बनाएंगे उनका, मतलब इसका हिंदी हो जाता है अनुसूची। तो इस तरह से अगर आप लोग शेड्यूल बनाते हैं तो इस तरह से आप लोग जो भी जाएंगे घर पे वहां पे विजिटिंग करेंगे तो वहां पे प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग मदर हो, किसी भी अन्य किसी का भी हो, आप लोग को क्या करना होगा कि इसी में आप लोग को डालना होगा। तो होम विजिटिंग में आप लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आप लोग गए हैं प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी डालनी है तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन में जाएंगे, और जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जब ये पोषण ट्रैकर खुलेगा तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ड्यू डेट, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो इस तरह से आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग जो भी हो आप लोग अपकमिंग या जो भी आप लोग ने विजिटिंग किया तो इस तरह से आप लोग सूची बनाएंगे जब प्रेग्नेंट वुमेन को, तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग को खास वीडियो हम लोग आप लोग के लिए बताएंगे, तो इस तरह से आपको कुछ जानकारी इंटर इसमें आप लोग को
करनी होगी जो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा है। और भी जानकारी जैसे कि लैक्टेटिंग मदर हो या 0 से 6 मंथ हो, इस तरह से आप लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग कोई जानकारी इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब उनके घर विजिटिंग करेंगे तो इस तरह से आप लोग को ड्यू डेट बताया जाएगा और यहाँ पे अपकमिंग या लेट यहाँ पे इस तरह से आप लोग को विजिटिंग करने का आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे आप लोग को आयुष कुमार के नाम से जो आप लोग को दिया जा रहा है, जैसे कि आप लोग जैसे ही आयुष कुमार के नाम से आप लोग को दिया जा रहा है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोग जाके विजिटिंग करेंगे जैसे ही, तो आप लोग को डेट यहाँ पे डालनी होगी और यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को सबमिट करके आप लोग को छोड़ देनी होगी। तो इस तरह से आप लोग जो भी जैसे कि विभाग के तरफ से जो आप लोग को मैसेज आएगा जैसे कि आप लोग जिसमें भी आप लोग को इसमें मैसेज आएगा तो आप लोग को क्या करना होगा कि वहां जाके आप लोग को वहां पे विजिटिंग करना होगा। जैसे कि होम विजिटिंग है, यहां पे आप लोग को होम विजिटिंग करना होगा, ये शेड्यूल दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा है कि पोषण ट्रैकर में नई अपडेट हम लोग को क्या आया है, और यहाँ पे होम विजिटिंग शेड्यूल, इस तरह से आप लोग को होम विजिटिंग शेड्यूल आई है और इसमें और भी जानकारी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग जैसे ही बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, जैसे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग जैसे कि डेली ट्रैकिंग मतलब दैनिक ट्रेनिंग में जैसे ही आप लोग जाएंगे, जाने के बाद आप लोग को इसमें देखने को मिल रहा है जैसे कि आपने यहाँ पे जो आपने यहाँ पे तो जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो THR का ऑप्शन था ये यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे THR का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को इसमें क्या ऑप्शन कितना ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे AW ओपन मतलब यहाँ पे आपने आंगनबाड़ी खोला या नहीं, इसमें आपको फर्स्ट नंबर में दिया गया है। अटेंडेंस यहाँ पे SCM और यहाँ पे आप लोग को एक्टिविटी आप लोग को यहाँ पे नीचे में दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ नए अपडेट आए हैं। और भी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आंगनबाड़ी हेल्पलाइन है इनके माध्यम से, और आप लोग को आसानी से आप लोग समझ में आ जाए तो आप लोग को इसी तरह से आप लोग को वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और करने के बाद आप लोग देखने को मिल रहा है कि जैसे कि जो भी आंगनवाड़ी शेप का है वो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो झटाक से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहां पे आप लोग को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं पेपर कटिंग या कोई भी, तो आप लोग डायरेक्ट यहां पे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। जैसे कि आप लोग देखने को मिल रहा है यहां पे कि यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाई उसका पेपर कटिंग या जो भी वीडियो है आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम से आप लोग को मिलते रहेगी। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जो भी आप लोग को न्यूज़ हो इसमें से जो भी न्यूज़ हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो पेपर कटिंग हो या कोई भी जानकारी हमने यूट्यूब पर अपलोड किया, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो एक बार दूध घी देकर मान गया विभाग के बच्चे हो गए सेहतमंद, इस तरह से आप लोग जो भी पेपर कटिंग हो या कोई भी जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइए और आप लोग हमारे यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़े। और भी जानकारी के लिए तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, और भी जानकारी आप लोग को देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो होम विजिटिंग करनी है वो किस प्रकार से करनी है, ये सब के बारे में खास जानकारी आप लोग को मेरे तरफ से रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।